कोशिश तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन मंजिल तो उसे ही मिलती है जो मंजिल को पाने का हौसला रखते हैं। आजकल के बहुत से बच्चे अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़ाई में खूब मेहनत करते हैं, क्लासेस ज्वाइन करते हैं। कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो कोई डॉक्टर, लेकिन जो इंसान दुनिया में सच्ची मेहनत और लगन से पढ़ाई कर आगे बढ़ता है तो वो समाज के लिए एक मिसाल बन जाता है। ऐसे ही बीड़ शहर में पढ़ाई में होशियार रही नाजनीन फातिमा ने BAMS की पढ़ाई पूरी कर गरीब माँ बाप का नाम रोशन किया है। नाजनीन फातिमा के पिता जावेद अत्तार एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं। घर की आर्थिक हालात बहुत खराब होने के बावजूद बेटी ने अपनी पढ़ाई पूरी की। बेटी को डॉक्टर बनता देख गरीब माँ बाप की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। इस तरह वो अत्तार समाज की बीड़ जिले में पहली लड़की BAMS डॉक्टर बनी है। डॉक्टर नाजनीन फातिमा का कहना है कि पढ़ाई के दौरान अगर मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी रखी जाए और इरादे मजबूत हों तो इंसान अपनी मेहनत से मंजिल को पा सकता है। डॉक्टर नाजनीन फातिमा और उनके परिवार को अत्तार समाज वेलफेयर ट्रस्ट और कॉलेज के टीचर के द्वारा मुबारकबाद दी गई है। NTV टाइम के लिए गेवराई बीड़ से अफसर शेख की रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज पर इख्तदार अगर किसी का है तो सिर्फ अल्लाह की जात का है। आज मैं नाजनीन फातिमा शेख जावेद अल्हम्दुलिल्लाह एक काबिल डॉक्टर बन गई हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के फजल करम से हूँ। हाँ, इस पेशे को हासिल करने के लिए मैंने बहुत सारी मेहनतें की, बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी किया और कई मुसीबतों पर सब्र भी किया। सबसे ज्यादा तकलीफ मेरे लिए ये रही कि मैं अपने फैमिली से 5 साल दूर रही। मेरी फैमिली और मेरे असातिज़ा की दुआ मेरे हमेशा साथ रही। उनकी दुआओं की वजह से हर कदम मेरा आसान और कामयाब रहा। वो कहते हैं, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर खुद मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर खुद मर्तबा चाहे, कि दाना काफ में मिलकर गुले गुलजार बनता है। कहते हैं कि जो तकदीर में लिखा है वही होता है। तकदीर के पन्ने यूं ही बदला नहीं करते, तकदीर को बदलने के लिए हमें खुद मेहनत के कलम से उसे खुद लिखना पड़ता है। हम जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा हमारा मुस्तकबिल जगमगाएगा, और जितने ज्यादा हौसले बुलंद रखेंगे, अच्छा गुमान रखेंगे, उतने ही ज्यादा हमारा मुस्तकबिल कामयाब रहेगा। मैं आप सबसे यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि अपने मुस्तकबिल को बनाने के लिए अपने हौसले बुलंद रखिए, अपना गुमान अच्छा रखिए और दिल लगाकर मेहनत कीजिए। इंशाल्लाह आप अपने मुस्तकबिल को पाने के लिए मुस्तकबिल को पा लेंगे। जज़ाकअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शेख जावेद रशीद अत्तार जुना बाजार भी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के रहम करम से आज मेरी बच्ची नाजनीन फातिमा एक काबिल डॉक्टर बन चुकी है। अल्लाह का बहुत एहसान और करम हुआ। हम जो है मेहनत और मशक्कत करते रहे तो अल्लाह जो है हम उसको उसके अंदर कामयाब करते है। हमारी बच्ची ने जो है तो बहुत मेहनत मशक्कत करके पढ़ाई की है और हमने भी उसके पीछे जो है तो मेहनत और जो है तो मशक्कतें लगाई। और हर चीज के पीछे जो है तो मेहनत होती है। अच्छा, हमारे पीछे भी जो है तो हमारे फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है। हमारे फैमिली के अंदर हमारी बहन टीचर अफसर सुल्ताना, इसने जो है तो पहली से लेकर जो है तो इसके डॉक्टर बनने तक इसके पीछे बहुत मेहनत की है। और इसके पीछे दूसरे टीचर हजरात की भी मेहनत है, जो कि चौथी क्लास के अंदर शेरखान सर ने बुलाकर कहा था, जब हमारी बच्ची चौथी में थी तो कहा था कि तुम्हारी बच्ची जो है तो काबिल बन सकती है, बहुत होशियार है, उसके ऊपर ध्यान तवज्जो दो। तो हमने ध्यान तवज्जो दी और जो है तो हम इसके पीछे और बहुत सारे टीचर हजरात की मेहनत है, जैसे कि नजम सर, शफीक हाशमी सर और जो है तो नवीद सर, खलील सर, इन सारों के मेहनत के बाद जो है तो इस बच्ची जो है तो इस नतीजे पर पहुंची। हम ये कहना चाहते कि मेहनत और मशक्कत करके और अब जिद रहे आदमी की तो उसके लिए आदमी आगे बढ़ता है। तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का कौल है कि जिंदगी का कोई मकसद बना लो, फिर अपनी सारी ताकत उसके उसूल पर लगाओ, तुम जो है तो जिंदगी में जरूर कामयाब हो जाओगे। हमको जो है तो एक मकसद बनाना है जिंदगी का, एक टारगेट बनाना है और उसके ऊपर मेहनत करना है तो आदमी जरूर कामयाब होता है। चाहे फिर वो अमीर रहो, गरीब रहो, किसी भी कारोबार करने वाला रहो, किसी भी शोबे के अंदर की जो है तो तलबा रहो, लेकिन जो है तो मेहनत करेंगे तो अल्लाह उनको कामयाब करेंगे।